मैसूर पाक मिठाई बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है नारियल का बुरादा, जो है 2 कटोरी, और 1 कटोरी चीनी ली है, और 5 से 6 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, और 1/2 कटोरी देसी घी लिया है, 1/2 कटोरी पानी लिया है। तो सबसे पहले हम नारियल के बुरादे में मिल्क पाउडर मिक्स कर लेंगे। यह मिठाई खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, और राखी के त्यौहार में घर पे मिठाई बनाई जाए तो उसका तो बात ही कुछ अलग है। सबसे पहले हम चीनी की चाशनी बनाएंगे। हमने जो पानी था वो 1/2 कटोरी वो पैन में डाल दिया है। अब ये चीनी हम इसमें डालेंगे, और जब इसकी एक चाशनी बनाएंगे हम, जब ये मेल्ट हो जाएगी। हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है बिल्कुल, एक तार की बन चुकी है। अब इसमें हम नारियल का बुरादा डालेंगे। हम इसको मिक्स कर लेंगे। बीच बीच में इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे। चलाते रहेंगे। ये देखिए गाइस, फिर इसमें घी डालना है थोड़ा थोड़ा करके। जो 1/2 कटोरी ली थी हमने घी की, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके सारे डालेंगे। जब हमें इसमें लगेगा कि अब इसमें घी की जरूरत नहीं है, तो फिर हम घी डालना स्किप कर देंगे। और ये मिठाई खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और 10 मिनट में ये मिठाई बनकर रेडी हो जाती है। ये हमारी मिठाई बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। ये सारी मिठाई हम अब इसमें निकाल लेंगे। इसको हमने पहले ही रेडी रखा था, इसमें घी लगाया था पहले, और सारी मिठाई इसमें निकाल देंगे। और इसको हल्के से फैला लेंगे। राखी के लिए, राखी के त्यौहार के लिए मिठाई रेडी है। गाइस, आप इसे घर पर बनाकर देखें। ये मिठाई बहुत ही आसान है और 10 मिनट में रेडी हो जाती है, और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब इसको हम 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे, फिर दिखाते हैं हम आपको कि ये मिठाई कैसी बनी। ये देखिए गाइस, हमारी मिठाई बनकर रेडी है। अब इसको हम कट करेंगे। अब ये बनी हमारी मैसूर पाक मिठाई, जो बहुत ही खाने में है स्वादिष्ट। गाइस, ये देखिए, तोड़ के दिखाऊंगा, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे घर पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।